हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम फाबियानो क्रुआनो वर्सेस अभिनन्यु मिश्रा की है। सेंट लुइस क्लब यूएसए में गेम खेली गई थी। काफ़ी, मैं कहूँगा, एक क्लोज गेम रही है। यहाँ मैं शुरू करता हूँ e4 के साथ। यहाँ फाबी ने शुरू किया। अभिमन्यु ने यहाँ c5 सिसिलियन से रिप्लाई दिया। नाइट f3 d6, देन बिशप से आई चेक, रोकने के लिए बिशप भी बीच में लगा। देन हुआ c4, बिशप पर डिफेंस कर लिया गया। नाइट f6, देन नाइट आया c3 स्क्वायर पर, g6 खेला गया, बिशप टेक्स g7 चेक। काफ़ी देर हो गई यहाँ पर बिशप्स आपस में लड़ते हुए। क्वीन टेक्स g7, और इसके बाद यहाँ फाबी ने किया कैसल। बिशप आया g7 स्क्वायर पर, देन d4, सी टेक्स d4, क्वीन टेक्स d4, नाइट c6, क्वीन को हटाना होगा, गई d3 स्क्वायर पर, देन कैसल। अब यहाँ अभिमन्यु ने किया, बिशप आया d2 स्क्वायर पर, देन a6, रुक अटे गोज टू b1। आखिर रुक अटे बी गोज टू b1 का प्लान क्या हो सकता है? मुझे लगता नहीं कि बी पॉन यहाँ पुश आगे करने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन फिलहाल क्रिएट हो रहा है। अगर नाइट जी फोर, आखिर ये नाइट इतने अग्रेसिव, मतलब करने क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिशप भी नहीं है कहीं, पता नहीं, देखते हैं क्या होगा। ओके ओके, सॉरी, यहाँ ये नाइट रीशफल होकर e5 स्क्वायर पर जाने की तैयारी कर रहा है। क्वीन गई e2 स्क्वायर पर, देन रुक एट एफ गोज टू ec8। अभी नाइट नहीं पहुंचा है जहां उसे जाना चाहिए था। खैर, व्हाइट ने अपने नाइट को d5 स्क्वायर पर प्लेस किया, और इरादा जहां ये नाइट कहां रीशफल होकर क्या करने वाला है दिख गया होगा। क्वीन को मूव करना ही पड़ा d8 स्क्वायर पर, देन बिशप आया c3 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज। बिशप एक्सचेंज ठीक है मेरे ख्याल से। ई पॉन आगे पुश होता वो भी ठीक था। खैर, बिशप टेक्स c3, बी टेक्स c3। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर नाइट टेक c3 इंट्यूटिव है, लेकिन बी टेक c3 से यहाँ बी फाइल फाबी को ओपन मिल जाती है, और सीधा सीधा पॉन पर अटैक आपको नजर आ गया होगा। डिफेंस रुक को ही लगाना पड़ा। देन हुआ c5, और c5 के बाद डी टेक c5 करने में प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगता नहीं प्रॉब्लम है कि नाइट b6 जैसा मूव अब खेला जा सकता है। रुक पर अटैक बनेगा, थोड़ी टर्म्स डिफाइनिंग तो हो जाएगी, उसके बाद क्वीन पर अटैक बन सकता है। यहाँ ब्लैक का नाइट भी प्रॉब्लम्स में है। किस तरह का मैन्यूवर हो सकता है वो भी देखना होगा। यहाँ से क्वीन हटानी होगी पहले, तो खैर उसके बाद फिर ई पॉन आगे पुश हो सकता है। तब चलते हैं एक्चुअल गेम पर। ये मेरी इमेजिनेशन है, पता नहीं क्या खेला जाएगा। यहाँ खेला गया फाइनली नाइट सी गोज टू b5। नाइट जहाँ नाइट को लगाना था वहाँ पहुँचा वो। नाइट टेक सी फाइव, देन हुआ f4, नाइट पर अटैक गया ये d7 स्क्वायर पर, और अब इस पॉन पर अटैक बना है। c टेक्स d6, ई टेक्स डी सिक्स। चलिए, पॉन फिलहाल तक के लिए सुरक्षित है। पहले खेला गया f5, और यहाँ कैसल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने की तैयारी है। डिफेंस, नो डिफेंस, क्वीन को g5 स्क्वायर पर पहुंचा दो, जो होगा देखा जाएगा। रुक f4, और फ्रेंड्स रुक f4 स्क्वायर पर आने के बाद इरादा बिल्कुल क्लियर है। इस क्वीन को भगाओ यहाँ से, तो क्या किया जाए? क्वीन f6 एज एन ऑप्शन मेरे ख्याल से ठीक है, लेकिन यहाँ खेला गया नाइट e5। ठीक है, रुक को नहीं आने देना क्वीन के सामने, वहां तक ये ठीक है। रुक एट ए बी गोज टू f1। अब रुक्स की बैटे तैयार हुई, ठीक है। f7 स्क्वायर अभी सिक्योर जरूर है। ब्लैक ने यहाँ अपने रुक को c5 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन हुआ क्वीन e3, और फ्रेंड्स क्वीन के e3 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ रुक पर तो कोई टारगेट लगता नहीं। रुक जरूर वाइट का पिन हो चुका है। हर गेम में देखें, यहाँ अभिमन्यु ने अपने रुक को लिया f8 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन h3, और क्वीन के h3 स्क्वायर पर आने के बाद क्या कोई तरीका है? यहाँ प्रॉब्लम इस ब्लैक की क्वीन के साथ है, अदरवाइज गेम तो बन चुकी है लगभग, ऐसा लगता है दिखने में। जैसे कि अगर यहाँ b5 के ऑप्शन ब्लैक चलता है, तो उसके बाद f टेक g6, और वैसा है क्वीन टेक g6 का मतलब होगा नाइट e7 चेक, फोक हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। तो h टेक g6 ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ रुक की सिचुएशन भी देख सकते हैं आखिर क्या होगा यहाँ पर। तो नाइट f6 चेक होगा, king g7 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन से चेक, और वो मेट आएगी। तो कितने नज़दीक चेकमेट की गेम पहुंचा दी है फाबी ने, वो कमाल है। तो यहाँ अभिमन्यु को करना ही पड़ा रुक टेक्स डी फाइव, नाइट एलिमिनेट करना जरूरी हो चुका था। ई टेक्स डी फाइव, देन रुक आया e8 स्क्वायर पर। अब थोड़ा ब्रीदर मिला होगा यहाँ पर अभिमन्यु को। f टेक्स g6 और h टेक्स g6 का मतलब क्या बनेगा? रुक h4, हाँ ये इश्यूज हैं, और चेकमेट तक पहुंच जाएगी यहाँ से आराम से। खैर, यहाँ f टेक g6 ही खेला गया। देन हुआ क्वीन e3, और अगले मूव में क्या है? चेक दो, और ब्लैक की क्वीन को मारो, डिफेंड क्वीन। क्वीन गई d8 स्क्वायर पर, देन हुआ h3, किंग आया g7 स्क्वायर पर, क्वीन d4, रुक आया e7 स्क्वायर पर, रुक f6, और रुक के f6 स्क्वायर पर आने के बाद पॉन पर तो कोई इशू नहीं है। फिर रुक आया d7 स्क्वायर पर, देन क्वीन गई f5
4 स्क्वायर पर, और पर अभी फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। रुक C7 देन क्वीन B4, नाइट C4 देन रुक गया F2 स्क्वायर पर, क्वीन G5, क्वीन A4, और क्वीन के A4 स्क्वायर पर जाने के बाद क्या ये चेकमेट बन सकती है? माइट बी। क्वीन A3 पहले ही यहाँ पर अभिमन्यु ने किया, क्वीन गई D1 स्क्वायर पर, किसी भी तरह का क्या रिस्क लेने की जरूरत है? नाइट कहाँ जाने वाला है वो भी बहुत हद तक क्लियर है। वेल, क्वीन टेक्स C3 पॉन गया, यहाँ अभिमन्यु को एक पॉन मिला। रुक आया F3 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक, तो क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग नहीं करनी है। क्वीन टेक्स D2 का मतलब दोनों रुक्स पर फोक होगी। देन क्वीन A1 वो भी चेक के साथ, नाइट बीच में लगा, रुक पर अटैक बना, तो व्हाइट ने अपने रुक को लगाया D1 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बनाने के लिए। क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, देन रुक बचा F2 स्क्वायर पर, वापस क्वीन पर अटैक बना और क्वीन गई यहाँ से E4 स्क्वायर पर, देन हुआ A4, H5, देन A5, क्वीन आई E3 स्क्वायर पर और रुक को फिर दोबारा पिन कर लिया गया है। क्या हो सकता है ऐसा? क्वीन B2 नहीं करना देना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ ये नाइट पिन है तो वो मूव तो हो ही नहीं सकता। G5, क्वीन B6, क्वीन टेक्स B6, फाइनली क्वीन एक्सचेंज कर लिए है। ए टेक्स B6 रुक पर अटैक बना है और अब हो चुकी है एंड गेम स्टार्ट। एडवांटेज में ऑब्वियस है वाइट है, लेकिन इतना बड़ा एडवांटेज नहीं है कि यहाँ वाइट गेम डिसाइडिव कर लिए। रुक आया C5 स्क्वायर पर, पॉन पर कोई इशू नहीं है। रुक F5 स्क्वायर पर आने के बाद जी पॉन पर अटैक है, किंग G6, पॉन पर डिफेंस तो हुआ लेकिन रुक डी गोज टू F1, रुक्स की बैटरी तैयार हुई। रुक टेक्स D5, पॉन गया, नो प्रॉब्लम। रुक F8, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर अगर रुक B5 की ऑप्शन को काउंट किया जाएगा तो ऑब्वियस है रुक F6 चेक होगा, किंग G7, और फिर यहाँ पॉन पर डिफेंस भी हो चुका होगा, तो वाइट इतने आराम से इस गेम को नहीं निकलने देने वाला ब्लैक के पास। G4, रुक G8 चेक, किंग गया H7 स्क्वायर पर, देन रुक गया B8 स्क्वायर पर, और यहाँ B7 पॉन खतरे में आ चुका है, उसको बचाया भी नहीं जा सकता। रुक B5, रुक टेक्स B7 चेक के साथ, किंग G6, एच टेक्स G4, एच टेक्स G4। मुझे लगता है नाइट टेक्स G4 की ऑप्शन भी बुरी नहीं है, अगर यहाँ से ये गेम चल रही है तो ये बैक रैंक चेकमेट का खतरा आपको बिल्कुल नजर आ रहा होगा। लेकिन चलते हैं गेम पर। एच टेक्स G4 खेला गया, देन रुक आया B8 स्क्वायर पर, टारगेट पॉन एक कदम और आगे पुश करो, लेकिन अगर जल्दबाजी की तो नाइट है उस स्क्वायर पर प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए, नाइट D7 कर देना चाहिए था, पर हाँ रुक से चेक आ जाती है, किंग मूव होता देन 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 रुक टेक्स G4 हो जाता, ओके ये भी प्रॉब्लम्स है। चलते हैं गेम पर, यहाँ हुआ किंग G7, पहले कोई चेक नहीं आने देने, किंग गया H2 स्क्वायर पर, देन रुक B3, थोड़ा क्वेश्चनेबल है, पॉन पुश चेक, पता नहीं क्या वर्क करेगा। रुक C1, देन किंग आया F6 स्क्वायर पर, रुक C7, नाइट G6, देन हुआ B7 G3 चेक, किंग को H3 स्क्वायर पर जाना ही था, Nf4 चेक हुआ, किंग आया G4 स्क्वायर पर, देन नाइट या E6 स्क्वायर पर, और यहाँ इस रुख पर अटैक है। क्या रुख एकदम आगे जाना चाहिए या रुख को H7 स्क्वायर पर लेकर जाए? उसी सिचुएशन को मेंटेन रखते हुए रुख चेक चेक, देन ओके प्रॉब्लम्स थी इस गेम में, ज़्यादा बेटर था लेकिन यहाँ से रुक गया D7 स्क्वायर पर, पॉन लेने की तैयारी है। नाइट आया C5 स्क्वायर पर, रुख पर अटैक भी है, पॉन पर भी अटैक है, लेकिन एडवांटेज ऑब्वियस है, यहाँ फाबी आते हैं क्योंकि रुक टेक्स D6 चेक हुआ और चेक देने के साथ साथ यहाँ पॉन तक अटैक भी आता है, किंग E5 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना तो रुक गया C6 स्क्वायर पर, नाइट पर इश्यूज हैं, तो यहाँ इस पॉइंट पर नाइट टेक्स B7 नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ रुक टेक्स A6, और यहाँ ये नाइट ऑलमोस्ट से पिन है, नहीं पिन तो नहीं है, कुछ बच जाएगा गेम, Nc5 खेला जाएगा, Rxb3 देन Nxc6, इस तरह से गेम बढ़ सकती है। खैर नाइट यहाँ से गया D7 स्क्वायर पर और फाइनली रुक पर अटैक बन गया है, तो रुक से चेक आई, किंग गया D5 स्क्वायर पर, दोबारा रुक पर अटैक, Rxa6 भी करना ही था, Rxb7, और अब यहाँ एंड गेम में पॉन यहाँ ब्लैक का अभिमन्यु का गया, Kxg6, रुक से चेक आई, किंग H4 स्क्वायर पर, Nc5 रुक पर है, पिन ही कर दो इसको सीधा सीधा, A5 स्क्वायर पर रुक के जाने के बाद हुआ भी यही, किंग गया D6 स्क्वायर पर, देन G4, किंग D7, रुक हटा E1 स्क्वायर पर, और ये रुक ई फाइल में ऐसा रखा हुआ है किंग कभी भी वाइट के पॉन के नजदीक पहुंच ही नहीं पाएगा ब्लैक का। नाइट B7, रुक गया E7 स्क्वायर पर, उल्टा ये पिन कर दिया है वो नाइट, किंग
किंग सी सिक्स देन जी फाइव, किंग बी सिक्स देन रुक टेक्स बी सेवन चेक, किंग टेक्स बी सेवन। और फ्रेंड्स मैं यहाँ कहूंगा फाबियानो क्रुआना का मार्वलस मूव है, उन्होंने दिया है यहाँ पर एक्सचेंज सेक्रीफाइस। किस तरह से, आप यहाँ इस पॉन की पोजिशन को देखिए, इसको क्वीन बनने से सिर्फ 3 कदम की दूरी पर है, और बदले में ब्लैक का किंग बी सेवन स्क्वायर पर जाकर बैठ गया है। तो ब्लैक अपने रुक को 8th रैंक में भी फिलहाल नहीं लेकर आ पाएगा, ना ब्लैक किसी तरह से इस रुक को पीछे से रोक सकता है, जी सिक्स हो गया इसीलिए। तो अब रुक बी फोर चेक कोई फायदा नहीं है, बस दैट्स इट। व्हाइट का रुक इतने अच्छे स्क्वायर पर रखा है, फर्दर अगर आप कोई चेक देंगे तो रुक बीच में लग जाएगा, आगे चेक भी नहीं आनी कोई। तो यहाँ खेला गया किंग सी सिक्स, नो इशू, कोई फायदा नहीं है। जी सेवन रुक फाइनली चले बी एट स्क्वायर पर तो चला गया, लेकिन फाइनल मूव यहाँ फाबियानो क्रुआना का था किंग एच फाइव। और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली अभिमन्यु को रिजाइन करना पड़ गया, क्योंकि अब इस पॉन को रोकना असंभव है। रुक अगर जी एट स्क्वायर पर गया अभी तो व्हाइट अपने किंग की पोजीशन को इम्प्रूव करके सबसे पहले इसी रुक पर अटैक बनाएगा, और उसके बाद अभिमन्यु के लिए इस गेम में कुछ बचेगा नहीं। तो फ्रेंड्स काफ़ी मैं कहूँगा एंड गेम के लिहाज से बहुत अच्छी गेम थी, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर, मेरे यूट्यूब चैनल चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।